क्या आपको पता है फर्नीचर आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। हाय, मेरा नाम शशांक जैन है। वेलकम टू माय चैनल वुडोफा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पे जरूर क्लिक कर लेना। मैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आज का टॉपिक है कस्टम फर्नीचर बनवाएं या रेडीमेड फर्नीचर को चूज़ कर लें। आपको भी लगता होगा अगर आप घर बना रहे हैं तो मैं क्या करूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहला पैरामीटर है स्पेस। अगर आपके घर में स्पेस कम है और आपको लगता है कि रेडीमेड फर्नीचर चाहे आप दुकान से लेके आ रहे हैं या ऑनलाइन लेके आए या किसी भी जगह से लेने वाले हैं, तो सबसे पहले उसको मेजर कर लीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए और अपने घर पे आके उसको मेजर करिए एग्जैक्टली। आपके पास 4 फीट की स्पेस है, 5 फीट की स्पेस है, 2 फीट की स्पेस है। कस्टम फर्नीचर में एक फ़ायदा क्या होता है, आप अपनी स्पेस के हिसाब से उसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कस्टम फर्नीचर के साथ। सेकेंड, अफोर्डेबिलिटी। जी हाँ, ये सबसे प्यारा और क्लोज कनेक्ट होता है फैमिली के अंदर कि क्या फर्नीचर अफोर्डेबल है। यस, ऑब्वियसली कस्टम फर्नीचर महंगा होता है क्योंकि वो आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया जाता है। वेर इज रेडीमेड फर्नीचर आपको एक अफोर्डेबल रेट्स पे मिल सकता है क्योंकि वो मास प्रोडक्शन होती है। तो एक वेबसाइट या एक दुकानदार उसी सेम प्रोडक्ट के 15 पीसेस बनाता है तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। वेर इज वो कस्टम फर्नीचर डेफिनेटली सिर्फ आपके लिए बनेगा मे बी, और बहुत कम लोग बनवाएंगे तो वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा। द थर्ड पॉइंट फॉर टुडे इज ड्यूरेबिलिटी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं सो आपको पता है हमें ड्यूरेबिलिटी का कितना बड़ा कंसर्न होता है। सो अगर आपने फर्नीचर नॉन ड्यूरेबल ले लिया तो आपके घर वाले तो ज़रूर पकड़ के आपका गला दबा देंगे। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्नीचर बहुत ड्यूरेबल हो। रेडीमेड फर्नीचर के साथ ड्यूरेबिलिटी का थोड़ा चैलेंज आ सकता है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पेपरफ्राई, अर्बन लैडर और भी जोधपुर की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि फर्नीचर बेचती हैं। तो कुछ फर्नीचर सॉलिड वुड में होता है तो कुछ फर्नीचर पार्टिकल बोर्ड, प्री लैम्प या फिर प्लाईवुड में होता है। तो आपको ये चूज़ करना है डिस्क्रिप्शन में आप क्या लेके आ रहे हैं। कस्टम फर्नीचर के साथ एक एडवांटेज क्या है, क्योंकि वो आपके सामने बनता है या आपके किसी जानकार के थ्रू बनता है तो वो अच्छी चीज़ लगाएगा। वो सॉलिड वुड यूज़ करेगा या वुड की थिकनेस अच्छी होगी या प्लाईवुड एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो रहा होगा, तो आपको ये एडवांटेज हो जाता है। द फोर्थ पॉइंट फॉर टुडे इज़ क्वालिटी। तो ड्यूरेबिलिटी अभी हमने बात करी, क्वालिटी भी उससे कुछ कुछ सिमिलर ही है। क्वालिटी में आपको बस ये देखना है कि फर्नीचर क्या उतना सही तरीके से बना है, उसकी टेक्निकलिटीज़ ठीक हैं, क्या वो जो सोफे में लेग होना चाहिए था क्या वो सही तरीके से लगा, क्या जो बेड था उसका साइड या उसका फ्रंट या उसका बैक सही तरीके से सही एंगल में रखा हुआ है, सही हाइट पे है कि नहीं है। ये सब पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं वाइल बाइंग द फर्नीचर। सो दोस्तों, हमने क्वालिटी की बात कर ली, ड्यूरेबिलिटी की बात कर ली, कॉस्ट की बात कर ली। आप पता है किसकी बात करनी रह गई, स्पीड की, कि आप कितनी जल्दी अपना फर्नीचर घर ला सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है आपको 1 साल लग जाए फर्नीचर लाने में? नो, तो रेडीमेड फर्नीचर ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी बन जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी बना हुआ होता है या फिर वो फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है। तो उसमें एक दिन में मल्टीपल बेड बन सकते हैं, एक दिन में मल्टीपल सोफाज बन सकते हैं, एक दिन में मल्टीपल चेयर्स बन सकती हैं। वेयर इज कस्टम फर्नीचर सिर्फ आपके लिए बन रहा है मेरे दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। तो ये तो हमारे ऊपर है कि या तो हमें जल्दी घर को डेकोरेट करना है या मे बी थोड़ा 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना लगा सकते हैं और तब फर्नीचर लेके आए। आई ऑलवेज सजेस्ट, इसमें मेरा सजेशन ये रहता है, अगर आप पहले से प्री प्लान कर लें कि आपको आज अपने घर का काम करना शुरू करना है तो आपके पास 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का टाइम है और अपने बाकी सारे पैरामीटर्स जो मैंने अभी बोले हैं वो देख लिए, तो आप रेडीमेड या कस्टम फर्नीचर एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने आज आपको सारा कुछ बता दिया कस्टम और रेडीमेड फर्नीचर के बारे में। अब आप जानना चाहते हैं मेरी सोच क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस फर्नीचर के बारे में, एक शर्त बताऊंगा, अगर आप कमेंट्स में यस लिखोगे तो। आपको कमेंट्स में मुझे एनकरेज करना है तो मैं बताऊंगा आपको। चलो बता देता हूँ, मेरा टेक है कि अगर आपके पास टाइम है और आपके पास एक ठीक ठाक पैसा है तो आप कस्टम फर्नीचर ही बनवाइए, आप इसको रेडीमेड फर्नीचर को मत लीजिए बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। कस्टम फर्नीचर हमेशा अपने घर के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने कलर्स के हिसाब से बन जाता है, वेयर इज रेडीमेड फर्नीचर में हमेशा एक लिमिटेड ऑप्शंस ही मिलते हैं। सो ये मेरा टेक है और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और
बिफोर गोइंग आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों को और अपने नेटवर्क को, और मुझे प्लीज़ एनकरेज करिए और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।